गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में किया था मूल्य की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं मूल्य के प्रकार की बात करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था, मूल्य चल रहा था, मूल्य में वैल्यूज। अब बात करते हैं मूल्य के प्रकार की बात करते हैं। कितने प्रकार के मूल्य होते हैं, आपको जैसे पहले बताया था मूल्य क्या है, व्यक्ति की क्या है, ये मूल्य क्या है, अत्यंत क्या है, व्यक्तिगत होते हैं, और सभी के क्या है मूल्य, व्यक्ति पर्सन टू पर्सन क्या है, वो जो मूल्य है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यहाँ तक कि माँ की एक कोख से लिए हुए बच्चों में भी क्या है, जो मूल्य है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जो बालक एक परिवार में समान वातावरण में पढ़ता हो, बड़ा हो, उनके मूल्य भी क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। शायद इसी कारण क्या है, विभिन्न समाजशास्त्रियों, दर्शन शास्त्रियों, विद्वानों ने मूल्य को अपनी अपनी विचारधाराओं के द्वारा व्यक्त किया है। अब मूल्य में जो प्रकार है वो बताए हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आराम और सुख की बात करते हैं, आराम सुख की बात करते हैं। जीवन को यथासंभव खुशी खुश आनंदमय एवं रुचिकर बनाने में क्या है, रुचि लेना, इन मूल्यों से व्यक्ति के जीवन में सुखद आनंद हर्ष व उल्लास की अनुभूति होती है। प्रेम, फिर बात करते हैं प्रेम की। प्रेम भी क्या है, एक मूल्य है। प्रेम के द्वारा पारिवारिक जीवन की सफलता, प्रेम ही क्या है, पारिवारिक जीवन की सफलता की पूंजी है। प्रेम के बिना कोई भी व्यक्ति क्या है, परिवार में उन्नति नहीं कर सकता। जैसे भाई बहन का प्यार, पति पत्नी का प्यार, माँ बाप का प्यार, बेटा बेटी का प्यार, तो इस प्रकार क्या है, माँ बेटी का, बाप बेटी का, माँ बेटे का, तो ये क्या है, प्रेम के द्वारा ही संभव हो पाता है। और क्या है, मानवीय संबंधों में रुचि एवं संतुष्टि जो पति पत्नी प्रेम से, इन सभी के प्रेम से मिलती है, तो मानव जाति के लिए प्रेम समुदाय के प्रति प्रेम और आदर्श प्रेम के रूप में मनुष्य अभिव्यक्त करता है और उनको दर्शाता है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति मानवीय संबंधों को सजीव व जीवंत बनाए रखने के लिए व्यक्ति में ज्ञान एवं विवेक का होना नितांत आवश्यक है। सत्य में विश्वास करना और जीवन के सभी पक्षों के संबंध में संतोषजनक ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखना, ये भी क्या है, क्या है, ये भी क्या है, एक प्रकार का मूल्य ही है। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है वो है कला। कला नामक मूल्य सौंदर्य एवं उसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में रुचि रखना ही क्या कहलाता है, कला कहलाता है। जैसे संगीत, नृत्य, लेखन, कविता लिखना, ग्रह सज्जा आदि विभिन्न प्रकार के सौंदर्य को जानना, उनकी प्रशंसा करना तथा सौंदर्य को अनुभव या संतुष्ट होना, ये सभी क्या है, कला ही होती है। अब बात करते हैं खेल की। खेल में क्या है, खेल व्यक्तित्व विकास के लिए क्या है, अति आवश्यक है। इससे कल्पना शक्ति का विकास होता है, जिसमें व्यक्ति रचनात्मक कार्यों को की ओर मन को लगाता है। व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए उसके जीवन में खेलों का क्या है, बहुत अधिक महत्व होता है। खेल से मूल्य का विकास होता है, अर्थात कल्पना शक्ति तथा रचनात्मक कार्यों में वह रुचि लेने लगता है खेलों के माध्यम से। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करते हैं,
स्वास्थ्य में क्या है कि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में रुचि लेना क्योंकि मूल्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से क्या है स्वस्थ होना आवश्यक है। अगर वह स्वस्थ नहीं होगा तो क्या है मूल्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए क्या है उसे स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। अब अगला आता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या रखता है महत्वाकांक्षा रखता है, यानी रुचि और इच्छाएं होना अति आवश्यक है। अगर हमारी क्या है महत्वाकांक्षाएं यानी हमारी महत्वाकांक्षा ही नहीं होंगे हमारे जीवन में तो हम किस चीज को हासिल करने में अपना मूल्य लगाएंगे। अब बात करते हैं शिल्प विज्ञान संबंधी रुचियां, शिल्प विज्ञान संबंधी रुचियां वो भी किसके अंदर आती है मूल्य के अंदर आती है। शिल्प विज्ञान संबंधी जो रुचियां हैं वो मूल्य के अंतर्गत आती है। मूल्य रचनात्मक कार्यों से संबंधित होते हैं, साधनों के विकास में इसकी क्या होती है अहम भूमिका होती है। कुशलता पूर्वक कार्य द्वारा किसी कार्य के अंतिम परिणामों को प्राप्त करने की इच्छा एवं ये क्या है रुचि होती है। अब बात करते हैं हमारा अगला है जो धर्म की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं। धर्म, धर्म भी क्या है यह मूल्य व्यक्ति को सत्य से क्या करवाता है परिचित करवाता है, सत्य और असत्य के बारे में जानकारी हासिल करता है। सत्य जान लेने के बाद व्यक्ति निरंतर क्या है सुकर्म करता चला जाता है और सुकर्म के द्वारा ही वो क्या है सुख और आनंद से अपना जीवन है वो व्यतीत करता है, जिससे परिवार एवं समाज का क्या है कल्याण होता है। और इस मूल्य के अंतर्गत ईश्वर भजन, साधु संतों के प्रवचन सुनना, मानव कल्याण, पूजा पाठ एवं सत्य जानने के प्रति रुचि रखना आदि आते हैं। तो ये सारे जितने भी जो उपयुक्त जो भी थे वो क्या थे हमारे धनात्मक क्या होते हैं मूल्य होते हैं, जो क्या है जैसे प्रेम का घृणा, धर्म का अधर्म, सुख का दुख, आराम का तकलीफ, ज्ञान का अज्ञान, विवेक का अविवेक होता है। तो ये सभी क्या थे हमारे पॉजिटिव मूल्य होते हैं, यानी हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके चलते सकारात्मकता की ओर ये जितने भी मूल्य हैं वो हमें उनकी ओर अग्रसर करता है। तो ये हमारे थे मूल्य। अब बात करते हैं हम आगे इनके लक्ष्य क्या होते हैं हम
लक्ष्य प्राप्ति की बात करते हैं तथा समझते हैं। हम बात करते हैं कि हमारा लक्ष्य ये हासिल हो गया तो हम क्या है, खुश हैं। तो क्या है, प्रत्येक परिवार नित्य प्रति नए लक्ष्यों का क्या है, निर्माण करता है तथा पूर्ति हेतु निरंतर क्या करता रहता है, उनकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है। तो आज जानते हैं हम लक्ष्य क्या होते हैं। लक्ष्य वे अंतिम बिंदु होते हैं जिनकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति या परिवार कार्य करने की इच्छा रखते हैं। तो क्या बताया कि लक्ष्य क्या होते हैं, लक्ष्य वो अंतिम बिंदु होते हैं जो क्या है, जिसकी परिवार, जिसकी पूर्ति के लिए क्या है, परिवार और जो व्यक्ति है वो उसके लिए तत्पर प्रयत्नशील या उसको पूरा करने की इच्छा रखते हैं। लक्ष्यों का निर्माण में निर्धारण व्यक्ति की इच्छाओं, जीवन मूल्यों, दार्शनिक विचारधाराओं और अभिवृत्तियों से होता है। ये मूल्य से अधिक स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं। जैसे बताया था कि मूल्य को ना तो हम बता पाते हैं ना वो दिखाई देते हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में जो लक्ष्य होते हैं वो क्या है, अधिक स्पष्ट होते हैं। यानी हम किसी को बता सकते हैं कि हमारा क्या लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मेरे को गाड़ी लेनी है, घर लेना है। तो ये क्या है, हमारे गोल्स होते हैं जिनको हम अचीव करने के लिए क्या है, लगातार प्रयत्न करते रहते। तो इसी प्रकार क्या है, हम उनको स्पष्ट कर सकते हैं। साथ ही से जैसे प्रेम एक मूल्य है, इसे दूसरों के सामने क्या है, प्रकट किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, परंतु आसानी से स्पष्ट एवं परिभाषित नहीं किया जा सकता है। परंतु स्वयं का मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, ये क्या है, हम किसी के प्रति प्रेम नहीं दिखा सकते। कोई पूछे कि तुम इसके प्रति तुम्हारा कितना प्रेम है, तो हम उसको दर्शा नहीं सकते कि कितना है, इतना किलो है, इतना ग्राम है, वो नहीं बता सकते। लेकिन क्या है, जो हमारे लक्ष्य होते हैं वो हम उनको बता सकते हैं कि मेरा ये लक्ष्य है, गाड़ी लेना, घर लेना है। तो ये क्या है, हम उनको समझा सकते हैं। लक्ष्य एक उद्देश्य जिसकी प्राप्ति के लिए हम क्या है, तत्पर तथा नई तकनीकी, नई कार्य प्रणाली, विधियां, तरीकों व कार्यक्रम को तय करते हैं कि किस प्रकार से हम ये काम करेंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगी। तो यह ग्रहण करने योग्य वस्तु या अंग है जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति के मूल्यों एवं इच्छाओं से होती है। इससे व्यक्ति के जीवन में सुख एवं संतोष मिलता है। अधिकांश पारिवारिक लक्ष्यों का निर्माण भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। और लक्ष्य क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली क्या है, ये एक प्रक्रिया है। हमारे एक लक्ष्य की पूर्ति होती है तो हमारा दूसरा लक्ष्य है वो आ जाता है कि भी हमें अब ये करना है, अब ये काम हमें करना है। तो क्या है, ये जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने मूल्य, इच्छाओं, विचारधाराओं एवं अभिवृत्तियों में क्या करता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। यदि उसे किसी लक्ष्य की पूर्ति होने की आशा कम होती है तो नजर आती है तो वह क्या करता है, उन लक्ष्यों को छोड़कर नए लक्ष्यों का निर्माण कर लेता है कि मुझे ये चीज नहीं मिलेगी तो छोड़ो, इसको छोड़ो, अगला ये वाला करेंगे, ये मिल जाएगा। तो ये क्या है, लक्ष्य होते हैं।